गौरापथ पर लगे हरे भरे पेड़ों को काटे जाने के विरोध में नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित बीजेपी पार्षदों ने आपत्ति दर्ज कराते हुए आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन सौंपकर पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने की मांग की। 14वें वित्त आयोग की राशि, जिससे शहर के गली मोहल्लों नहर नाली का निर्माण कराया जाना है, लेकिन शहर विधायक अरुण वोरा की हठधर्मिता के चलते उन चीजों का निर्माण दरकिनार कर अपने निजी स्वार्थ की बात कही जा रही है और शहर के गौरापथ जो कि पहले से ही उचित अवस्था में है उसे पुनः तोड़फोड़ कर बनाए जाने का प्रस्ताव पारित किया जा रहा है, जिसके लिए 6 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई है। लेकिन गौरापथ निर्माण से जहां एक तरफ गौरापथ का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, वहीं दूसरी तरफ गौरापथ के किनारे सुश्री सरोज पांडे के समय के लगाए हुए अनेक बड़े हरे भरे और छायादार वृक्ष को काटकर सड़क का चौड़ीकरण किया जाना तय किया गया है, जिसके विरोध में बीजेपी पार्षदों ने नाराजगी जाहिर की है और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने के लिए नगर निगम आयुक्त हरीश मंडावी को ज्ञापन भी सौंपा है। ग्रैंड न्यूज ने जब नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि गौरापथ पर यातायात कम है, फिर भी इसका तोड़फोड़ कर पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिन पेड़ों को डॉक्टर सरोज पांडे के द्वारा बड़े ही जतन से सहेजा गया है और अब उन पेड़ों को काटने की बात कही जा रही है जो उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस बात का विरोध करती है और आगामी दिनों में यदि पेड़ों की कटाई पर रोक नहीं लगाई गई तो विधायक अरुण वोरा के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया जाएगा। 14वें वित्त आयोग की राशि, जिससे गली नाली सड़कों का निर्माण होना है, उस रुपये से माननीय विधायक अरुण वोरा जी ने गौरव पथ को बनाने का निर्णय लिया, जिसपे यातायात कम है और उसके बावजूद उसके पेड़ों को काटने की नौबत आ रही है और ये पेड़ बड़े मुश्किल से, बड़े जतन से, बहुत मेहनत से लगा रहे हैं। आप और हम सब पर्यावरण की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। 3 वर्ष में दुर्ग निगम एक भी ट्री गार्ड नहीं बांट पाया है, इसलिए हमने आज आयुक्त को ज्ञापन दिया है कि इस मार्ग के पेड़ों को ना काटा जाए, उसका अनुमान लगाया जाए और इस पर आयुक्त ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस प्रोजेक्ट के अधिकारी थवानी जी को हमारे साथ भेजा, एक समिति बनाई जो न्यूनतम पेड़ काटने का और इस मार्ग पे लगे हुए पेड़ों को जो काटने का उपक्रम किया जा रहा है उसका भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। और माननीय सुश्री सरोज पांडे जी ने जो ये पेड़ लगाए थे, केवल और केवल उनका नाम हटाने की दृष्टिकोण से माननीय विधायक जी के द्वारा यह षड्यंत्र किया जा रहा है, जबकि सड़क उतनी चौड़ी बन रही है, उन पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं है। इस पर समिति बनी है और जब तक पेड़ कटना नहीं रुकेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।